आज मैं आप लोगों को द सोल्जर कविता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अंग्रेजी में पोइट्री जो भी लिखे हैं, पोइट कई काल में कई भाग में बांटा गया है। और एक ऐसी कविता है जिसको वार पोइट्री कहते हैं, वार पोइम। कुछ ऐसे भी कवि थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो कविता लिखे, और कहिए कि यहाँ तक कि T.S. Eliot भी जो लिखे हैं, या दूसरे कवि सब भी बहुत ऐसे कवि हैं लिखे हैं, वो सब वार पोइट्री लिखे हैं और युद्ध क्या है उसके बारे में लिखे हैं, और युद्ध से कितना विनाश हुआ, किस प्रकार की लोगों का विचार था, किस प्रकार लोग रहते थे, क्या कष्ट उठाना पड़ा। तो आज मैं आप लोगों को रूपर्ट ब्रूक की कविता जिसका नाम है दो सोल्जर, सोल्जर का अर्थ होता है सिपाही, और ये आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ये कवि जो हैं सो अपने भी एक सिपाही थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में काम किया था और उसी में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो इसीलिए हम लोग इस पोइट्री को, इस क्लास के पोइट्री को क्या कहते हैं कि वार पोइट्री। तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ही इज एन इंग्लिश सोल्जर, ही वॉज एन इंग्लिश सोल्जर एंड इंग्लिश पोइट, एंड ही हैज शोन हिज पैट्रियोटिज्म टुवार्ड्स हिज मदरलैंड दैट इज इंग्लैंड। इन्होंने दिखलाया है कि अपना पैट्रियोटिज्म, अपनी क्या कहिएगा देशभक्ति इस कविता के माध्यम से, और एज ए सोल्जर जो सोल्जर का ड्यूटी होता है उसके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है कि सोल्जर क्या सोचता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द सोल्जर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सोल्जर, व्हाट इज हिज ड्यूटी टुवार्ड्स हिज नेशन, व्हाट इज हिज ड्यूटी, व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ शुड ही एक्ट। तो इसी के बारे में लिखा है। तो इनका कहना है कि सोल्जर इज सो ट्रू सोल्जर नोज नथिंग बट ओनली डाई फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द मदरलैंड। इसीलिए इस कविता में लिखते हैं क्या, तो और सुनिए। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, वे कहते हैं सिपाही जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या करते हैं कि युद्ध करते हैं। तो इनका कहना है कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, लोगों से कहते हैं अगर मुझे मरना है देश के लिए, इफ आई हैव टू सेक्रीफाइस माई लाइफ एट द आल्टर ऑफ फ्रीडम, एट द आल्टर ऑफ नेशन, सो यू शुड थिंक ओनली ऑफ मी नथिंग मोर देन माई ओन डेथ इन द बैटल फील्ड, देर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अब ये कहते हैं ये कैसे होगा कि अगर ये मरते हैं किसी फॉरेन फील्ड में तो कैसे वो इंग्लैंड का होगा। इसलिए होगा कि ये कहते हैं उनका शरीर जो है, ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, ही लर्न द लेसन ऑफ पैट्रियटिज्म, ही रिसीव्ड लव फ्रॉम हिज कंट्रीमैन, फ्रॉम हिज मदरलैंड, सो हिज बॉडी विल बी आउट एंड इंग्लिश बॉडी। इसलिए उस कंट्री में, उस विदेश में भी यदि इनको दफनाया जाएगा तो भी उनका शरीर जो है सो क्या होगा, इंग्लिश का होगा। इसलिए उसको समझने के लिए कहते हैं कि वो सदा इंग्लैंड के लिए है।
Even if he dies in a battlefield in the foreign land, in alien country, and if his body is buried therein, in that case, that land also would belong to his motherland, that is of England, because that very land will be richer with the aid of his thought, with the aid of his body, with the thought of England and the sense of freedom. इसीलिए कहते हैं कि अगर वो देश, वो जगह जो है जहाँ मरूंगा मैं और उन्हें दफनाया जाएगा, वो इंग्लैंड का हो जाएगा. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. अब क्या कहते हैं कि शरीर जो क्या है, dust से बना हुआ है, 5 elements से बना हुआ है. तो कहते हैं वो देश, सब लोगों को अपने देश से क्या होता है कि प्रेम होता है, सब अपने देश को धनी कहते हैं. तो कहते हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड. कंसील्ड माने छिपा हुआ, गड़ा हुआ इनका शरीर. इफ हिज बॉडी इज बरीड बीनीथ द अर्थ, दैट अर्थ ऑल्सो विल बी रिचर विद द एड ऑफ हिज इंग्लिश थॉट, इंग्लिश बॉडी. वह धनी देश तो है ही, वहाँ की मिट्टी धनी होगी ही, लेकिन वो भी और अधिक रिचर हो जाएगा. क्यों होगा? क्योंकि एक पैट्रियोटिक सोल्जर का बॉडी वहाँ दफनाया जाएगा. ए डस्ट फ्रॉम होम इंग्लैंड वो. अब कहते हैं कि इंग्लैंड की बड़ाई करते हैं, बिकॉज ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाय इंग्लैंड. सो एवरी शेल ऑफ हिज बॉडी बिलोंग्स टू इंग्लैंड, एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू इंग्लैंड. शेप्ड मेड अवेयर और शेप किया, बिकॉज हिज पर्सनैलिटी वॉज कास्ट इन ए मोल्ड, इंग्लिश मोल्ड. सो उसको एक मोल्ड मिला, एक विचार मिला. मेड अवेयर एंड ही वॉज मेड अवेयर अबाउट नेशनलिज्म, अबाउट पैट्रियोटिज्म, अबाउट द ड्यूटी ऑफ ए सोल्जर. इसलिए वे कहते हैं कि वह देश धनी हो जाएगा, क्योंकि इतना रिच थॉट का आदमी वहाँ दफनाया जाएगा. तो इंग्लैंड ने क्या किया? ए डस्ट होम इंग्लैंड वो saved, made aware, because England gave him such education that he became very conscious of his duty, his awareness about patriotism, about the, for his duty for the nation, gave once her flowers to love, her ways to roam. England ने इनको एक नागरिक बनाने के लिए अपना रास्ता दिया, जगह दिया, शिक्षा दिया और फ्लावर दिया. ही लर्नड ए लेसन ऑफ लव फ्रॉम फ्लावर्स दैट इंग्लैंड प्रोवाइडेड हिम विथ. वो रास्ता दिया जहाँ पर वे घूमे, जहाँ पर इन्होंने वहाँ के सीन और सीनरी को देखा. ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर. सो हीज बॉडी हैज बिकम आउट एन इंग्लिश बॉडी. ही हैज ब्रीथ, ही हैज टेकन ब्रीथ the English air. So whatever he thinks will be English, nothing more than that. उससे कुछ बढ़कर नहीं होगा. Washed by the rivers, blessed by son of home. अब ये कहते हैं washed by the river. Whatever dross he might have in his mind, in his body, जो भी गंदगी, जो भी dirt, उनके हृदय या उनके शरीर में होगा, ऑल वॉज वॉश्ड बाय द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर ऑफ इंग्लैंड. इसलिए उनका शरीर साफ हो जाएगा, बिकॉज हिज बॉडी हैज बिकम प्यूरिफाइड. प्यूरिटी आया है उनके शरीर में, इन हिज थॉट, इन हिज बिहेवियर, इन हिज कैरेक्टर, बिकॉज ऑल द ड्रॉस वॉज वॉश्ड अवे बाय द फ्लोइंग वाटर ऑफ इंग्लिश रिवर. इसलिए ऐसा मानते हैं अपने को. A pulse in the eternal mind no less gives somewhere back the thought by England given. So क्या होगा? Because he is a true citizen of England, a true child of England. So he has learnt the thought. और उनके दिमाग में जो है, eternal mind में जो है, इनकी भावना में जो है, इनके दिमाग में the thought, the teaching that have been engraved on his mind will certainly give the same thought to other countrymen also, to other soldiers also.
because he wants to remind or wants to see that everybody should be very conscious of his duty towards nation, and everybody is a soldier so far his duty is concerned. इसलिए सभी सोल्जर हैं और सबका धर्म है. तो कहते हैं ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, उनके दिमाग में जो भी तंतुएं हैं, सोच है, सभी इंग्लिश सोच है. नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन. सो व्हाट एवर ही हैज लर्नड फ्रॉम इंग्लिश टीचिंग फ्रॉम इंग्लैंड ही वांट्स टू गिव अदर्स ऑल्सो. ही वांट्स टू मेक देम अदर्स ऑल्सो अवेयर ऑफ द ड्यूटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिटीजन. इसलिए वही विचार दूसरे को भी देते हैं. सो एवरीबडी शुड बी वेरी लॉयल टू हिज मदरलैंड टू हिज कंट्री. यही विचार दूसरे को भी देते हैं. हर साइट्स एंड साउंड्स, अब कहते हैं उनका साइट्स, उनका दृश्य, इंग्लैंड का साइट, इंग्लैंड का नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड है. साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और इसके स्वप्न इंग्लैंड के जो हैं, एक स्वप्न इंग्लैंड का, बिकॉज इंग्लैंड वाज एट द एपेक्स ऑफ इट्स ग्लोरी ड्यूरिंग 18th and 19th century. सो ये कहते हैं कि उनका ड्रीम है, इंग्लैंड का कुछ स्वप्न था, और उस स्वप्न को कौन पूरा करता है? दे ओनली द सिटीजंस ऑफ द कंट्री. एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, और इन्होंने हंसने की कला सीखी मित्र से. बिकॉज इन कंपेनियन इन इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स ही लर्नड द लेसन ऑफ लाफ्टर, हाउ टू एंजॉय लाइफ, व्हाट इज फ्रेंडशिप, व्हाट इज द वर्चू ऑफ फ्रेंडशिप, व्हाट इज द वर्चू ऑफ लव एंड ब्यूटी. ही केम टू लर्न फ्रॉम इंग्लैंड. एंड जेंटलनेस क्या सीखा? कि बिकॉज एज ए ह्यूमन बींग he learned how to behave with others in civility. What is the humility? What is humility? What is the importance of humility in man's life? ये इन्होंने सीखा, एक कल्चर सीखा वहाँ का, वहाँ की शिक्षा इन्होंने ली, और एक उत्तम व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने अपने आप को ढाला. Because he was guided by the principles that England taught him. In hearts at peace under an English heaven, or even if he breathes, when he breathes his last, even in the alien land, in the foreign country, he will breathe the English air, and wherever his body would be buried, that land will belong to England. Because very rich, the richer dust will be concealed, would be concealed in that very land. That's why he asserts that land also will be richer with the aid of his body, with the aid of his blood, with the aid of his thought and principles of life. यह कविता जो है सो 14 lines का है. इसको सोनेट कहते हैं. सोनेट का अर्थ है गाना, गाना है ये. तो द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, अष्टक कहता है. ऑक्टेव माने अष्टक, 8 लाइन का. एंड द रिमेनिंग 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट, इसको सेस्टेट कहा जाता है. और इसमें जो कुछ है, जो ऊपर जो प्रपोजल रखा गया है, उस प्रपोजल को सॉल्व करता है ए रिमेनिंग 6 लाइन, जिसको हम सेस्टेट कहते हैं. थैंक यू.